प्रधानमंत्री जी के शब्द अपने अर्थ खो चुके हैं, और इस देश का दुर्भाग्य है कि तीन जो बुद्धि के विंध्याचल हैं और जो अपने को सर्वज्ञानी मानते हैं, वो इस देश का सर्वनाश कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने आज कोहराम मचा रखा है, पब्लिक को वरगला रखा है। इसके बीच में जो है संविधान को लाते हैं कि संविधान ख़त्म करो, अपना संविधान लाते हैं, इसको ख़त्म करना, जो पुराना संविधान अम्बेडकर जी का वही चलेगा। NRC या जो कानून, काला कानून ला रहा है, इसकी आज आवश्यकता नहीं है हमारे भारतवर्ष में। भारतवर्ष में इतनी शांति है, ये बीच में पूरा ये दंगा फसाद ये सब करवाना चाहता है। आज की डेट में बहुत सारी समस्याएं उसको हल करना चाहिए, तो उसको छोड़ के एक अलग समस्या की ओर जा रहा है। इन्होंने कहा था नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपया आएगा। इन्होंने कहा था हम सबका साथ सबका विकास। इन्होंने कहा था जॉब्स देंगे। ये बताइए कहाँ दिया है, किसी को मिली है ये सारी चीजें? अगर जनता ने कुछ दिया आपको, जन आशय देश चलाने के लिए, जनता की भला करने के लिए, आप बदले के भावना हमेशा रखते हैं और कुछ ना कुछ उलझा। आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि कितनी महंगाई हो रही है? 150 रुपये किलो प्याज है, जनता तो सिर्फ खाना मांगती है। और आप कुछ भी करो, देश के कोई भला किया आपने? देश का कोई भला कर रहे हो तो बताओ आप। कि जब 1947 के अंदर लोगों ने अपनी मर्जी से ये चुना कि वो कहाँ रहेंगे, तो फिर कैसे उन लोगों के लिए आप उतनी सहानुभूति रखते हैं? और जो देश के लोग हैं और देश के संविधान के प्रति आपकी कोई आस्था नहीं दिखती, पूरा देश, और प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं NRC आएगा, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं चर्चा नहीं हो रही है, सच कौन बोल रहा है? अब पूरे हिंदुस्तान में 28 स्टेट में अगर इसको आप लागू करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा होगा। वो किसका है? वो हम टैक्स पेयर का है। तो अगर उस पैसे को सेव किया जाए तो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में वो पैसा लग सकता है। जो आज बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सकता है। जो अभी हिंदुस्तान के आवाम की जो इश्यूज हैं उस पर मौजूदा सरकार बिल्कुल बात नहीं कर रही है। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने की एक पॉलिसी है जिसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं। जब आपसे पूछा जा रहा है अमित शाह जी से, मोदी जी से, कि आप जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो वो कहते हैं नहीं, हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? हमें एक लेआउट बताइए ना। जो फियर है, आप गवर्नमेंट हैं इस देश की, जो लोगों में अगर अप्रीहेंशन है, फियर्स हैं, उसको आप कैसे हटाएंगे? वो बहुत ज़रूरी है। उस बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा, कह रहे हैं आप भरोसा रखिए गवर्नमेंट पर। तो ऐसे कैसे भरोसा कर लें भाई? जो बात मोदी जी भाषण दिए रामलीला ग्राउंड में, सारी बातें झूठी है। डिटेंशन ग्राउंड ऑलरेडी बना चुका है, आसाम में डिटेंशन ग्राउंड है, बेंगलोर में डिटेंशन ग्राउंड की जगह ले लिया है। इस तरह से पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी को निकाल देना एक कंट्री के हित में नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर नहीं बनाएंगे, अभी नहीं है ये कह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी मैंने आपको उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई जितनी मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में पहुंचाऊंगा, अभी नहीं पहुंचाई। तो अपने पर कोई जो इस किस्म का प्रहार करने वाला हो, वो कहे कि अभी मैंने नहीं किया है, अभी करूंगा, तो क्या वो अच्छी बात है? प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि आप संविधान पे और संसद पे भरोसा कीजिए। भरोसा कैसे बचेगा देश का जब देश की बात आप नहीं सुनिएगा? देश जानना चाहता है। गवर्नमेंट का काम क्या है कि पहले आप पब्लिक को भरोसा दिलाओ कि आप सुरक्षित हैं, कुछ नहीं गलत हो रहा है, वो आप करने में फेल हैं। बहुत ही ट्रस्ट डेफिसिट है। तो आप कोई भी एक्टिविटी करें और जब इंटेंशन क्लियर नहीं है, आपका इंटेंशन ही फ्लॉड है, मैलाफाइड है, आई एम सॉरी। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ये कानून बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम मानते हैं कि ये कानून जो है वो संविधान के खिलाफ है और संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, आईन इसकी इजाज़त नहीं देता है कि वो ऐसा कानून बनाए। आप चाहे पॉपुलेशन रजिस्टर बनाए, चाहे आप वो सिटीजन रजिस्टर बनाए, चाहे वो आप सिटीजनशिप देने की बात करें, बुनियाद एक ही है कि आखिर किस बुनियाद पर ये बनेगा। NPR चोर दरवाजा है, ये NRC तक पहुंचने का चोर दरवाजा है। इस दौरान भी एक तरीके से आंकड़ा और सर्वे किया जाएगा, आंकड़े जुटाए जाएंगे
लोगों की जानकारी ली जाएगी, तो ये एक चोर दरवाजा है। जो बहुत गरीब तबका है, जो आपके नोमैड्स हैं, जो बंजारे हैं, उनके पास क्या कागज होता है वो कैसे, और बंजारे यहाँ की लोकल ट्राइब है, कैसे अपने आप को सिटीजन एस्टैब्लिश करेंगे? उनके पास ना जमीन है, ना कागज है, ना आधार कार्ड है, तो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? उसके लिए उनके पास क्या प्रोविजंस है? कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और लोग क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हैं। और जो CAA में उन्होंने जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 14, 15 और 21 का जो उन्होंने उल्लंघन किया है, उसके विरोध में लोग लड़ रहे हैं। यह आवाज़ पूरे देश की है। आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर सरकार बार बार संविधान पे हमला क्यों करना चाहती है। 370 पर लोग चुप थे, लोगों को लगा कि हो सकता है कि कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे कश्मीर मुख्य धारा में आ जाए। लेकिन आज 140 दिन होने जा रहे हैं, वहाँ सब कुछ बाधित है। आज आप नया कानून, नागरिकता कानून लेके आ रहे हैं। जिनकी पैदाइश यहाँ हुई, जिनके वालिद और वालदा की पैदाइश यहाँ हुई, जिनके दादा परदादा यहाँ रहे, उनसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हर्ट होगा। आप ये सोचिए कि आप उनसे पूछ रहे हैं जो यहाँ के रेजिडेंट है, और आप बाहर के लोग को यहाँ ला के नागरिकता दे रहे हैं, यहाँ के लोग को आप इंसल्ट कर रहे हैं और बाहर के लोग को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। दिस शोज व्हाट, दिस इज द मैटर ऑफ बिग कंसर्न। गवर्नमेंट को इस चीज को विड्रॉ करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप हिंदुस्तानी हो? आप हिंदुस्तानी हो? प्रूफ करो, करिए प्रूफ, कैसा लगेगा आपको?